इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बैठक में बुलाए जाने के बाद भी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को गेट से लौटाए जाने पर नाराज हुए। दरअसल आज इंदौर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने AICTL की बैठक में शामिल हुए, जिसमें सभी प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस को अभी प्रसाद में होने वाले कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में बुलाया गया, लेकिन पटवारी यहां एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से पहुंचे थे। पटवारी को बैठक में नहीं जाने के बाद पटवारी ने इंदौर कलेक्टर और बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोला कि यह मेरा अपमान नहीं, इंदौर की जनता का अपमान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चोरी के रास्ते मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने डाका डाला है। वह यह बात उठाने वाले जनप्रतिनिधि को बैठक में नहीं आने देते हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नए मुख्यमंत्री जी, इसमें बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता, क्राइसिस मैनेजमेंट के सारे लोग, उनका लिस्ट में नाम था, मैं देख के आया। मुझे कल फोन आया था ADM का, उन्होंने कहा कि आपको समीक्षा में आना है। मैंने पुलिस ने जब कहा कि सर आपका नाम नहीं है, तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने ADM से पूछ लो, उन्होंने बुलाया था। इतने में मेरी कलेक्टर का फ़ोन आया, मनीष सिंह जी का। उन्होंने कहा कि सर आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है, आपको आमंत्रित किया गया है खेल प्रशाल में, जहाँ पर मुख्यमंत्री भाषण देंगे और हम ताली बजाएंगे। ये समीक्षा की मीटिंग है, यहाँ पे हम जो कोविड के बाद पोस्ट कोविड सामाजिक परेशानी आ रही है, क्या आ रही है, कर्मचारियों को जिनके साथ योद्धा कहा गया था, जिनके साथ न्याय करने की बात कही थी, वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। नर्सों हड़ताल पे है, ऐसे ही जितने टेम्प्रेरी जॉब पे लोग रखे थे साल साल भर से, फिर उनको निकाल दिया है। ऐसे ही पोस्ट कोविड में जो लोग मर गए, जिसमें 1 लाख रुपए की CM की घोषणा है, अब वो 1 लाख रुपए आप देने के लिए कोई आपकी प्रोसेस चालू हो, और जिन लोगों को कोविड लिख दिया गया और नॉन कोविड में उनकी मृत्यु हो गई, कोविड से अड़ गया फिर हो गया, तो उन लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे, स्कूल की फीस, इस कोविड के बाद काम धंधे सबके बंद थे, बच्चों पर प्रेशर है, पालकों पर प्रेशर है कि फीस भरो, ये सब मुद्दे CM से हमें चर्चा करने थे, मैं पूरी फाइल बना के लाया था। तो CM हमसे चर्चा नहीं करना चाहते, जनप्रतिनिधि विधायकों से चर्चा नहीं करना चाहते। एक तरफ कहते हैं युद्ध को मिलकर लड़ना है, और दूसरी तरफ जो हमारी वाहवाही करे उनके साथ मिलकर बात करना है, और जो सवाल खड़ा करे वो होना ही नहीं। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये इंदौर शहर का अपमान है, ये अपमान है एक जनतंत्र की व्यवस्था का। मुख्यमंत्री जी से आशा नहीं थी, मुझे दुख हुआ। शिवराज सिंह जी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप चोरी के रास्ते से मुख्यमंत्री बने हो, डाका डालकर मुख्यमंत्री बने हो, पर हमारे मुख्यमंत्री हो आज यार। हम मुख्यमंत्री से एक जनप्रतिनिधि बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, और वो सलीके से, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे कि एक मुख्यमंत्री की गरिमा रखना हमारा धर्म है, और उस गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहते हैं, पर नहीं, आपको नहीं बुलाया गया है मीटिंग में तो नहीं आओगे। तो मैं चूंकि कलेक्टर का से बात हुई मेरी सीधी मनीष सिंह से, तो मैं जा रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये सब बातें लोकतंत्र के हित करनी है। ये चोरी से डरे हुए लोग अब लोकतांत्रिक बातें भी नहीं करना चाहते। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।